हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं आज पावर मेक प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसकी जो लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है वो हुई है 876.35 पे। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 1299 करोड़ का। पी रेशियो बहुत कम है, 28.48 अगर हम सेक्टर पी से कंपेयर करते हैं, जो कि 64.31 का। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के। 2018 की फाइनेंशियल अगर हम 2021 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। इसी के साथ EBITDA यहाँ पे घटा है, मतलब 208 करोड़ से हो गया है 55 करोड़ का। और इसी के साथ नेट इनकम माइनस में हो गया है -45, और EPS जो है यहाँ पे 54 से कम होते हुए -31 हो गया है। मतलब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू तो बढ़ गए हैं लेकिन बाकी की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे डिग्रेड होते हुए दिखाई दी गई हैं। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 63.69% की हिस्सेदारी जो है वो प्रमोटर लेकर चल रहा है। म्यूचुअल फंड 8.34% की हिस्सेदारी, FII 3.85 और बाकी की 24.11% जो है वो रिटेल और अदर्स के साथ है। अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जीरो प्रमोटर प्लेज है, FII, FPI यहाँ पे शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीकनेसेस की बात करते हैं तो देखिए वीकनेसेस में अगर हम यहाँ पे देखें तो रेड फ्लैग है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है वो बहुत ज्यादा है उसके अर्निंग के कंपैरिजन में। मतलब इसीलिए अगर हमने यहाँ पे नोटिस किया है तो टोटल रेवेन्यू तो हमारे यहाँ पे बहुत बढ़ गए हैं लेकिन नेट इनकम जो है इंटरेस्ट पे करने के बाद बहुत कम हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट लॉस में ही आए हैं यहाँ पे -45 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे ROE अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 साल से डिक्लाइन हुआ है। उसी के साथ कंपनी जो है वो ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रही है, ROA भी यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। प्रमोटर ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है डिक्रीज की है। नेट कैश फ्लो में भी डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROE -5.04 हो गया, पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। ROCE 2.18 ये भी कम हुआ है, और ROA भी घट गया है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। अगर हम ग्रोथ रेशियोज की बात करते हैं तो CAGR पिछले 3 साल का देखें तो वो नेगेटिव में है -29.30, जबकि पिछले साल ये 41.94 था। अब हम बात करते हैं न्यूज की। 4th of June की न्यूज है जहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पिक किए थे ऑलमोस्ट 1% के शेयर, और उसी के साथ यहाँ पे 16% की बढ़त दिखाई दी गई थी स्टॉक में। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 130,000 के शेयर यहाँ पे पिक किए थे, जो कि ऑलमोस्ट 0.88% का स्टेक है पावर मेक में उन्होंने लिया है। और उसी के साथ 15th of November को प्रोजेक्ट मिला है इनको वर्थ, जिसकी वर्थ है 725.17 का। ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इनको मिला है, जहाँ पे ये 4 लेन NH 365A जो कोडर से लेके खम्मन तक, ये जो स्टेट तेलंगाना है यहाँ पे नेशनल हाईवे बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 18th of November की अगर हम बात करें तो यहाँ पे निर्मल बैंक जो है ये बुलिश दिखाई दे रहे हैं इस मल्टीबैगर स्टॉक के ऊपर, और उन्होंने अपना जो टारगेट प्राइस है वो भी बढ़ाकर कर दिया है 1130 का। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो पावर मेक प्रोजेक्ट ने यहाँ पे बताया कि इनका नेट प्रॉफिट हुआ है 33 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनको 3.15 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा हुआ था। इनका जो टोटल इनकम है ये बढ़ गया है 649.97 करोड़, जबकि पिछले साल ये था 517.91 करोड़ का। अब हम बात करते हैं पावर मेक के टेक्निकल चार्ट की। यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट में ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये इसके आसपास ही हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक ने ये जो रेजिस्टेंस का एक काम कर रही थी ट्रेंड लाइन, उसका ब्रेकआउट देके अच्छा कंसोलिडेशन के बाद इसने बहुत ही बड़ा 1080 के आसपास का हाई लगाया है, और उसके बाद हम लोग करेक्शन करके फिर से उसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये इसके पहले भी इसने यहाँ से बहुत ही अच्छा बाउंस दिया है सपोर्ट के आसपास से, जो कि है हमारा 800 का यहाँ पे मेजर सपोर्ट। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे 800 के आसपास आता भी है तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है नए निवेशकों के लिए। अब देखिए एज ए इन्वेस्टर हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो स्टॉक जो है यहाँ पे हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 1080 का। 1080 के आसपास ये जब भी स्टॉक जाता है वहाँ से यहाँ पे भारी गिरावट दिखाई देती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर चार्ट पैटर्न अगर कोई नोटिस करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने एक बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट भी दिया था लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, और उसके बाद यहाँ पे भारी गिरावट के साथ यहाँ पे
इसने ऑलमोस्ट 320 के भी लोज दिखाए थे। तो देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, फिर से हम रेजिस्टेंस 1080 को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट होते हुए हम लोग फिर से 800 के आसपास आ रहे हैं। अगर यहाँ से अगर हम यहाँ से फिर से एक बाउंस देते हैं और फिर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हैं तो देखिए ये बन जाता है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं अभी इस पैटर्न को प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए अगर इनकेस इन फ्यूचर ये 1082 के आसपास अगर ये जाता है तो ये बन जाएगा हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बुलिश इंडिकेटर होता है। मतलब अगर फ्यूचर में ये 1080 के जो लेवल है अगर ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही लंबी और बहुत ही बढ़िया रैली आने के चांसेस है, क्योंकि ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है ये बुलिश इंडिकेटर होता है। और हमारे लिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक नेकलाइन यानी कि रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जैसे यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट हो जाएगा हो सकता है ये रिटेस्ट हो और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस रैली दिखाई देगी। मतलब यहाँ पे 1200 के भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये जो लेवल है 800 का सस्टेन होना। जब तक हमारा 800 का यहाँ पे लेवल सस्टेन होता है, और जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया है, अगर सिमिलरली यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है तो आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है पावर मेक के लिए। अब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी रहेगी 800 के आसपास। अगर ये स्टॉक आपको 800 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हैं, मंथली सिप कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में ना लें क्योंकि मार्केट जो है बहुत वोलाटाइल है। तो वोलाटिलिटी अगर आपको सस्टेन करनी है तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगर ये यहाँ से अगर फिसल गया तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 640 के भी लेवल दिखा सकता है। तो अभी के लिए तो यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया है, हो सकता है स्टॉक जो है ये कंसोलिडेट करता है यहाँ पे कुछ वीक के लिए और उसके बाद यहाँ से फिर से एक अपट्रेंड दिखाए। तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन का नज़रिया ना लेते हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना ही बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और ये आने वाले सालों में बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न देने के ही रखता है। जैसे कि आपने देखा है जो कंपनी है इसने पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग को आने वाले फ्यूचर में बहुत ही अच्छा स्कोप है। ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में, और इसके बाद भी अगर इनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहे तो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। लेकिन अभी के लिए अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें 800 का जो सपोर्ट है वो हमारे पास इंटैक्ट है, जब तक हम लोग 800 के ऊपर हैं यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे 1080 का यहाँ पे जो लेवल है ये ब्रेक हो जाता है इसके बाद बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए लेवल पे 800 का लेवल यहाँ पे अगर टूटता है तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पे 1080 का लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो उसके बाद यहाँ पे लंबी रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने कवर की हैं, जितनी न्यूज़ रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे कवर किया है, आपके लिए कुछ ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ऐसी बातें हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।